इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने वन प्लस के फ़ोन में एक सेटिंग्स मिल रहा है सिक्योर कीबोर्ड फॉर पासवर्ड का, तो ये सेटिंग्स क्या होता है और आप इसको ऑन ऑन और ऑफ करके इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको जाना है वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाकर नीचे आना है, नीचे मिलता है एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पर करेंगे क्लिक। इसमें कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पर क्लिक करना है। इसमें आपको यहाँ सिक्योर कीबोर्ड फॉर पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है कि ये सेटिंग्स आपको यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देना है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ये होगा कि जब भी आप दोस्तों किसी भी जगह पर अपना कोई पासवर्ड डाल रहे होंगे कीबोर्ड से दोस्तों टाइप करके, तो वहाँ पर दोस्तों पासवर्ड डालते टाइम आपका दोस्तों जो है वहाँ पर दोस्तों स्क्रीन हो जाएगा ब्लैक। जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पर आपको आपका पासवर्ड का कोई भी लेटर दोस्तों सो वहाँ पर नहीं करेगा, जिसके कारण कोई भी हैकर आपके किसी भी पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता या दोस्तों नहीं देख सकता, या फिर दोस्तों फ़ोन का डेवलपर टीम भी जो है आपके पासवर्ड को दोस्तों शो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर स्क्रीन ब्लैक हो जाने के कारण आपके पासवर्ड का कोई भी लेटर उसे दोस्तों शो दोस्तों नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छा सेटिंग्स है, अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो पासवर्ड डालते टाइम आपका पासवर्ड बिल्कुल दोस्तों इनक्रिप्टेड हो जाता है, किसी से भी किसी तरीके का खतरा नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं, बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर जो है पासवर्ड टाइप करते टाइम स्क्रीन ब्लैक नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको ऑन और ऑफ करके यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।